कुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित एक सरकारी स्कूल के चपरासी पर स्कूल के नाबालिग छात्राओं के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में भराड़ी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा चपरासी के खिलाफ छानबीन जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये चपरासी कुछ दिन पहले स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करता रहता था, जिस संदर्भ में स्कूल की छात्राओं ने अपने परिजनों से शिकायत की है। छात्राओं के परिजनों के द्वारा इस संदर्भ में स्कूल प्रधानाचार्य को भी शिकायत पत्र दिया गया है तथा बाद में मामले को गंभीर समझते हुए साथ लगते थाने में शिकायत कर दी गई है, जिसमें भराड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया गया है तथा छानबीन की जा रही है। वहीं डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि भराड़ी थाना में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है तथा छानबीन की जा रही है। भारतीय किसान संघ जिला कांगड़ा के बैनर तले जिला भर के किसान तपोवन विधानसभा के बाहर एकत्रित हुए और मुख्य गेट पर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद जिला भर के करीब 200 किसान अपनी मांगों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे हैं। किसानों ने जोरदार नारेबाजी भी की। प्रदेश संगठन मंत्री हरिराम ने कहा कि हमने पूरा एजेंडा बनाकर सरकार को दिया है, जिसमें गो सेंचुरी का मुद्दा है, जिसे सरकार ने अपने एजेंडे में डाला है। कुछ जिलों में जगह चिन्हित है, कुछ में अभी तक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसान कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा किसानों ने खनन माफिया पर रोक लगाने की भी मांग की है। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाएगी। ये शब्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नियम 130 के तहत मुकेश अग्निहोत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव के उत्तर में कहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। इस मामले में ये कहना किसकी सरकार में कितने मामले बढ़े तर्कसंगत नहीं है, अपितु ये समाज की समस्या है और इसे दूर करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटनाओं से उन्हें भी हिमाचली की तरह दुख होता है। देवभूमि में महिलाओं के साथ घटने वाले अपराध चिंतनीय हैं। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए और इसमें सरकार किसी की भी हो ये मायने नहीं रखता। गुड़िया मामले पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में होने के कारण वे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार गुड़िया को न्याय दिलाने में हर संभव काम कर रही है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में जमकर मेघ बरसे। तेज बारिश के कारण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा, जबकि पिछले दो दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश में जहां पर क्षेत्र के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, वहीं पर पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि श्री नैना देवी के आसपास की पूरी पहाड़ियां बादलों से ढक गई हैं और क्षेत्र में धुंध होने के कारण विजिबिलिटी कम है, जिससे श्रद्धालुओं को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि ठंडी और तेज हवाओं के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले दो दिनों से तेज बरसात और ठंडी तेज हवाओं के कारण धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है और दुकान खोलना और बंद करना बस यही काम बाकी बचा है। इसके अलावा इस बरसात के कारण हुई ठंड के कारण स्थानीय लोगों ने गर्म परिधान निकाली है, जबकि किसानों ने खुशी व्यक्त की है। किसान बग्गा राम, रतन कुमार और बालू राम कह रहे हैं कि ये बरसात फसल के लिए बहुत अच्छी है और इससे गेहूं की फसल अच्छी होने के आसार पैदा हो गए हैं।